बेहतर है, ठीक है, जो हम असाइनमेंट। भाई इसमें लिखना था, इतने अहम चीज नहीं लिखी मेरे भाई, स्किप कर गए। क्या था? अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये मार्कर भी फारग है, मार्कर सही वाला नहीं लेके आए तो? जल्दी कर ले, जल्दी, क्लास लेट हो जाती है मेरी। ठीक है, जाओ बस। जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ, जो असाइनमेंट मैंने कल आपको दी थी वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो कल का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, इसलिए उसको पेंडिंग कर दीजिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है सुन लीजिए। देखिए, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है शेयर होल्डर्स को कि वो
ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन समटाइम्स ऑडिट करने के दौरान में ऑडिटर को कुछ ऐसी चीजों को पता चलता है जो कि शायद मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, जो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर जरूरी समझता है कि वो शेयर होल्डर्स को बता देनी चाहिए। अगर तो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है वो तो कंफर्म बताएगा, कैसे बताएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन के जरिए रिपोर्ट में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज उसके सामने आई जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ऑडिटर समझता है कि यूजर्स तक ये बात पहुंचाना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, तो क्या वो ये बात पहुंचा सकता है किसी तरीके से? जब बिल्कुल पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है? रिपोर्ट में एक एडिशनल पैरा ऐड कर देता है एमसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर के नाम से, और यूजर को वो बात पहुंचा देता है जो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन नहीं लेकिन है अहम। ठीक है, अब इस बात, अगर ये बात मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होती तो याद रखे फिर एमसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर यूज ना करता, बल्कि वो ओपिनियन सेक्शन में बताता कि सर ये मिस स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, लेकिन ये मैटर ना मिस स्टेटमेंट होते हैं ना स्कोप लिमिटेशन होते हैं, बल्कि इसके अलावा कोई अहम चीज होती है, तो एमसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर को इंक्लूड किया जाता है। अब एमसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर की जरूरत क्यों पेश आती है ये समझ आ गई हमें। अगला क्वेश्चन, भाई इन दोनों में क्या फर्क है, कब एमसिस ऑफ मैटर दिया जाता है, कब अदर मैटर? देखिए, अगर हमें यह डिसाइड करना हो कि किस सिचुएशन में एमसिस ऑफ मैटर आएगा, किस में अदर मैटर आएगा, दोनों में से किसी एक ही सिलेक्शन करनी है, तो हम देखेंगे अगर तो वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है तो फिर एमसिस ऑफ मैटर इंक्लूड किया जाएगा, और अगर वो मैटर ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता, बल्कि ऑडिटर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करता है, ऑडिटर से रिलेट करता है, ऑडिट से रिलेट करता है, तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ आ जाएगा। दोनों की एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको कल के लेक्चर में दी थी। एमसिस ऑफ मैटर की एग्जाम्पल थी जब क्लाइंट के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन स्टार्ट हुई हो, तो आपको पता है कि अगर तो आउटफ्लो प्रोबेबल है हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करने हैं, आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है डिस्क्लोज करना। अब अगर क्लाइंट ने काउंटिंग ट्रीटमेंट सही किया है तो ये कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, लेकिन बताइए क्या ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में यूजर को बता देना चाहिए कि भाई एक बहुत ही अहम बात है कि कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ा लीगल केस चल रहा है, उसको बारे में पढ़ लो, कहीं ये ना कल को कंपनी के खिलाफ डिसाइड हो जाए तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए फिर क्या एमसिस ऑफ मैटर यूज करेगा? ठीक है, हालांकि और भी बहुत सी चीजें नोट्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, ऑडिटर उन सबको एम्फसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ जो आइटम समझता है यूजर्स के लिए बहुत ही अहम है जानना उसको एम्फसाइज कर रहा है। और अदर मैटर में ऐसी चीज आती है जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं बल्कि ऑडिट से होता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी, अगर ऑडिटर कभी अपनी रिपोर्ट को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहे कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक बंदे के लिए है, उसको तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अगर इसमें कमी पेशी हुई कोई, अगर ये रिपोर्ट गलत हुई उस बंदे को तो रिस्पॉन्सिबल हूं और किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो क्या ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सिर्फ एक पार्टी तक? बिल्कुल कर सकता है, अपनी रिपोर्ट को सिर्फ एक पार्टी तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो अदर मैटर के जरिए करता है। ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक ऑडिटर से है, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है, मैनेजमेंट से नहीं है, तो दोनों में फर्क समझ आ गया। अब इसके बारे में फर्दर गाइडेंस भी अवेलेबल है, हमारे सिलेबस में है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट, इस चैप्टर के एंड पे। जी क्लियर हो गया ये? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई, हाँ, क्या ये जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हमने पढ़ा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू में, क्या हमें इसको याद करना चाहिए? इसका जवाब है, इसको आपने जबानी याद नहीं करना, नहीं करना, जबानी याद नहीं करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। ठीक है, हम उसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन में से कोई एक या दो एलिमेंट लेके आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में बताओ क्या है। वो हमसे पूछ सकता है कि बताओ डेट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमसे पूछ सकता है बताओ कि रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होती है, आईटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होती है, ये पूछ सकता है। तो इसको हमने याद करना होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू को याद नहीं करना।
ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे पूछता है या आईटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है एग्जाम में कि बताओ इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसका यह मतलब नहीं हमने वो ऑडिट रिपोर्ट वाला सारा पैराग्राफ रिप्रोड्यूस कर देना, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ उसको ब्रीफली बताएंगे कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चीजें डिस्कस होती है, कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम उससे जो कम्युनिकेशन विद दो चार भी गवर्नर्स को डिस्कस करते हैं, और फिर स्कोप ऑफ ऑडिट जो है वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्कस होता है। उसे ब्रीफली पॉइंट्स बताए, एग्जैक्ट उनको रिप्रोड्यूस करके नहीं बताना, रिप्रोडक्शन रिपोर्ट में से नहीं आएगी एग्जाम में, ये बात समझ आ गई। अच्छा, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन कैसे याद करना, ये तो आपको समझ आ गया ना कि आपने तैयार रहना है कि वो हमसे कोई दो तीन एलिमेंट एग्जाम में देके हमसे कहेगा इनको डिस्क्राइब करो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, वो तो पॉइंट्स हैं हम याद कर लेंगे। अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू है, जो प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली यूज हो रही है, आपको बताया गया है ताकि आपको आपका जो भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल हो, थ्रेटिकल ना हो सिर्फ, उसको कैसे आई कैप टेस्ट कर सकता है, उसमें वो आपको पूरी रिपोर्ट तो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो प्रेजेंट करेगा पेपर में, लेकिन इस रिपोर्ट का कोई एक दो पैराग्राफ हो सकता है एग्जाम में प्रेजेंट कर दे आपको और कहे इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, उसमें कुछ गलतियां होंगी, गलतियां क्या हो सकती हैं, जैसे एड्रेस ही ठीक नहीं दिया, जैसे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट में कोई एक चीज मिसिंग कर दी, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस की जगह लिमिटेड एश्योरेंस या एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड लिख दिया, जैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट की जगह ऑल मिस स्टेटमेंट्स लिख दिया, इस तरह की वो गलतियां कर सकता है। याद रखे, अगर हमें वो कहता है कि जी ये ऑडिट रिपोर्ट का एक या दो पैराग्राफ हैं इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, उसके लिए हमें जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अब उसके लिए हमें रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें पता हो कि रिपोर्ट में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, कौन सी टर्म यूज नहीं होती। अब आप लोगों की आसानी के लिए काम मैंने क्या किया है कि उस गलतियां आपसे पूछ सकता है उसको बोल्ड कर दिया। आप अगर देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लफ्ज आपको ऐसे मिले होंगे थोड़े से ज्यादा गहरे हैं, बोल्ड है, उनको बोल्ड करने का पर्पज यह है कि आप इनको अंडरलाइन करके जहन में रखें कि ये टर्म्स यूज हुई हैं इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दो तीन दफा आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको अगर मैं कोई भी लफ्ज बताऊं तो आपको पता हो कि ये लफ्ज रिपोर्ट में यूज होता है कि नहीं होता। अब वो जब हमें गलतियां ताकि कहे इस रिपोर्ट में से गलतियां निकाल लो, तो अगर हमें पता होगा कि इस जगह पे कौन से अल्फाज यूज होते हैं तो फिर हम गलतियां निकाल सकेंगे ना। हमें पता होगा कि रिपोर्ट में रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज होता है, लिमिटेड एश्योरेंस का वर्ड तो कहीं नहीं आता, तो फिर ही गलतियां निकाल सकेंगे। और गलतियां निकालने में याद रखें कंसेप्चुअल एरर्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं, ये ऑफ एंड बाय इन अल्फाज की गलतियां नहीं होंगी कोई, इन अल्फाज गलतियां क्या होंगी, कंसेप्चुअल, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बजाय ऑल मिस स्टेटमेंट लिख दिया, ये कंसेप्चुअल है, ठीक है, इस तरह की गलतियां। वो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जी क्लियर हो गया, तो कंक्लूजन क्या आपके सवाल का हुआ कि हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन को तो याद करना है कि रिपोर्ट के कितने एलिमेंट है, किस एलिमेंट में क्या इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, लेकिन उसको एग्जैक्ट रिपोर्ट में जिस तरह डिस्क्राइब किया जाता है वो रटा नहीं लगाना हमने, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन याद करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू को याद नहीं करना। हाँ, उसको दो तीन दफा पढ़ लेना है, किस लिए, ताकि हमें पता हो कि रिपोर्ट में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, कौन से वर्ड यूज नहीं होते। जो वर्ड यूज नहीं होते वो फिर अगर उसने रिपोर्ट में किए हुए हैं तो हम कहें भाई ये तुमने गलत किया, और अगर कोई वर्ड यूज होता है और उसने रिपोर्ट में नहीं किया, जैसे उन्हें टेस्ट बेसिस का वर्ड यूज होता है उसने रिपोर्ट में यूज नहीं किया, तो हम उसे गलती बता सके कि भाई ये तुमने यूज नहीं किया। क्लियर जी, और कोई क्वेश्चन जी? एंगेजमेंट पार्टनर ये कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? अच्छा हाँ हाँ, सुन लीजिए, वो आपको शायद याद होगा एक लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको। तो एंगेजमेंट पार्टनर एक तरह से फर्म में हाईएस्ट पोजीशन का बंदा होता है, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर, जिसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की, उसके साथ टीम जरूर होती है उसके जूनियर्स की, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है कि उसने ओपिनियन जो है वो देना, रिपोर्ट पे साइन करना उसी की जिम्मेदारी होती है।
ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं जी। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ऑडिट विच सेट्स आउट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही कह रहा है। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिट रिपोर्ट में आती है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, नरेट द मैटर्स दैट शुड बी कंटेन्ड इन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंक्लूडेड इन एन ऑडिट रिपोर्ट इशूड अंडर ISA 700। वो कह रहा है मुझे बताओ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, वही मैटर्स लिखने हैं जो उसके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे डायरेक्ट रिप्रोडक्शन मांग रहा है। यानी इसमें हमने ये जो पेज 35 पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम एज इट इज इसको छापना शुरू कर दें सारी चीजें यहां तक, बल्कि वो हमसे कह रहा है सिर्फ मैटर्स की लिस्ट बना के दे दो कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह लिखता है कि हम रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि ऑडिटर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखता है ये जो बोल्ड उसने मैटर्स बताए हुए हैं बोल्ड किए हुए हैं ये आप लिस्ट दे सकते हैं। क्या ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखता है कि हम जो ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट में कि हम ऑडिट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं। यानी पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं छापना, सिर्फ उसकी हेडिंग जो है एक तरह से या उसकी समरी एक लाइन में बता दीजिए कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीजें डिस्कस हो रही है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, 8 नंबर का है तो वो सारे बन जाएंगे, 7-8 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। बल्कि नीचे वो की ऑडिट मैटर में 2-3 मार्क्स हमें मिल जाएंगे जब उसका जिक्र कर रहे होंगे, ऑडिटर की कम्युनिकेशन विद दो शावे गवर्नर्स, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आज के लेक्चर की तरफ चलें। ऑडिट में ऑडिटर हजारों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए मुझे जो सबसे ज्यादा अहम है, आप क्या बताएं? ऑडिट रिपोर्ट, करेक्टली, ठीक है। प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट रिपोर्ट सबसे ज्यादा अहम है। जिस तरह दुनिया में कोई अकाउंटिंग का पेपर ऐसा नहीं है जिसमें फाइनल अकाउंट्स का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का क्वेश्चन ना हो, उसी तरह दुनिया में कोई ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी बॉडी का ऑडिट का पेपर हो, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन सेट ना होता हो। ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन के बगैर ऑडिट का पेपर कभी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए 100% कंफर्म है कि ना सिर्फ इस अटेम्प्ट में बल्कि आगे आने वाली जितनी भी अटेम्प्ट्स हैं उनमें ऑडिट बोर्ड का क्वेश्चन 100% कंफर्म मैं जरूर टेस्ट करेगा। प्रैक्टिकली भी सबसे अहम डॉक्यूमेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा सबसे अहम चैप्टर है। अब इसमें कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के नाम से। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यह पूछा कि बताओ सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी ऑडिट की, आपने कहा ऑडिट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बताइए सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है। ओपिनियन, शाबाश, ओपिनियन डिसाइड करना, यानी यह डिसाइड करना ऑडिटर का कि मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं, इस ऑडिट क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट दे रहा हूं, इसमें ओपिनियन कौन सा होना चाहिए, क्या मैं इसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन दूं या मैं इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दूं। याद रखें ये डिसीजन ऑडिटर की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे अहम डिसीजन होता है। ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा सबसे अहम डिसीजन क्या होता है,
कि मैं ओपिनियन कौन सा दूं। टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना सबसे अहम होता है, सबसे क्रिटिकल होता है, ठीक है। इसीलिए खास तौर पे इसको समझना कि ये ओपिनियन जो है कैसे डिसाइड करते हैं हम, ये बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में हमने यही सीखना, बल्कि आज के और कल के इन दो लेक्चर्स में हम यही सीखेंगे कि प्रैक्टिकली जो ऑडिटर अपनी जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन करते हैं कि हमें कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन इशू करना चाहिए, अनमॉडिफाइड के मॉडिफाइड, ये किस चीज की बेस पे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे अहम रूल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो रूल आपने याद रखना है, क्या कहता है, बिफोर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन कौन सा देना है ये देने से पहले, ऑडिटर ये दो मैटर्स को वैल्यूएट करेगा। यानी अपनी जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन करने जा रहा है ऑडिटर कि मैं ओपिनियन कौन सा दूं, और ये डिसीजन किन दो फैक्टर्स पे बेस करेगा। कह रहा है पहला, ऑडिटर ने देखना है कि क्या इस ऑडिट में कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, इस ऑडिट में कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, और अगर कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, क्या उसका इफेक्ट इमटीरियल है, क्या उसका इफेक्ट मटीरियल है, क्या उसका इफेक्ट परवेसिव है, ये बताना। यानी ऑडिटर ने जब ये डिसाइड करने लगेगा कि मैं कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करूं रिपोर्ट के अंदर, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड, तो कौन सी दो चीजों को सामने रख के फैसला करेगा। पहली चीज कि क्या इस क्लाइंट में कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, और दूसरी चीज कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटीरियल, मटीरियल या परवेसिव। अब हमने आज के और कल के लेक्चर में इन्हीं पांच टर्म्स को डिटेल में समझना है कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, इमटीरियल किसे कहते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं, परवेसिव किसे कहते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में किसी जगह पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने बिल्ड किया था मटेरियलिटी के बारे में और मिसस्टेटमेंट के बारे में, स्कोप लिमिटेशन के बारे में, लेकिन ऑफिशियली कंप्रीहेंसिवली इसे अब हम इस लेक्चर में समझेंगे, आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यह समझना है मिसस्टेटमेंट क्या है और स्कोप लिमिटेशन क्या है। कल के लेक्चर में हम यह समझेंगे इमटीरियल क्या होता है, मटीरियल क्या है और परवेसिव क्या है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आज हम क्या चीज सीखने जा रहे हैं और किस लिए सीखने जा रहे हैं, ताकि ओपिनियन डिसाइड करें। इन दोनों मैटर्स को समझने का मकसद क्या है, ताकि इन दोनों को सामने रख के हम डिसाइड कर सके हमने रिपोर्ट में ओपिनियन कौन सा देना। फिर बताइए, ऑडिटर ने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन करना है कि मैं कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करूं, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट में लिखूं, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड, तो किन दो फैक्टर्स को सामने रख के फैसला करता है। पहला, क्या इस क्लाइंट में कोई मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी, और दूसरा, अगर कोई मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटीरियल, मटीरियल या परवेसिव। तो अभी पहले हम कवर करते हैं मिसस्टेटमेंट को, ठीक है, उसके बाद फिर स्कोप लिमिटेशन को। मिसस्टेटमेंट क्या है, कहता है मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन, मिसस्टेटमेंट क्या है, कहता है मिसस्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस एंड इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी मिसस्टेटमेंट क्या हुए, मिसस्टेटमेंट डिफरेंस है भाई, किस चीज का डिफरेंस, आईएफआरएस में और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है उसमें, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, मिसस्टेटमेंट। पहले इसका नाम हुआ करता था डिसएग्रीमेंट, अब उन्होंने कहा नहीं, डिसएग्रीमेंट की निस्बत डिफरेंस का लफ्ज ज्यादा बेहतर है। तो मिसस्टेटमेंट क्या हुई, आईएफआरएस में और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं मिसस्टेटमेंट। यानी आईएफआरएस कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है, ये क्या होगा, मिसस्टेटमेंट। आईएफआरएस कहते हैं इस चीज को डिस्क्लोज करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, मिसस्टेटमेंट।
IFRS ने कहा इस चीज को डिस्क्लोज ना करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है, मिस स्टेटमेंट। IFRS ने कहा इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया गया है, मिस स्टेटमेंट। IFRS कहते हैं ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो जाए, एडजस्टिंग इवेंट है, रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मिस स्टेटमेंट। IFRS कहते हैं जब कभी एसेट्स को रीवैल्यू करो, इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने 10 में से 6 प्रॉपर्टीज को रीवैल्यू किया, 4 को कॉस्ट पे रखा, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट क्या हुई, डिफरेंस IFRS में और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी IFRS कुछ और कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, ये जो डिफरेंस है क्या कहलाता है, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट समझ आई क्या, कहते हैं अहम चीज सुने, मिस स्टेटमेंट जो होती है ये तीन तरह की हो सकती है, या तो ये अमाउंट्स में होगी, या ये प्रेजेंटेशन में होगी, और या ये डिस्क्लोजर में होगी। मिस स्टेटमेंट या तो अमाउंट्स में होगी, या प्रेजेंटेशन में, या अमाउंट्स में क्या मुराद है, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह में होगी, अमाउंट्स में, जैसे इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरई पे रिकॉर्ड नहीं किया, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। सारे एसेट्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, एसेट इंपेयर हो चुका है, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है। डेटर की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की गई, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट क्लियर हो गया, जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को अफेक्ट करे। प्रेजेंटेशन क्या है कि आपकी अमाउंट ठीक है, आपने प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया, जैसे फिक्स एसेट्स को सेल किया, अदर इनकम में शो करने की बजाय सेल्स में ऐड कर दिया, अमाउंट ठीक है लेकिन प्रेजेंटेशन गलत है। कुछ फिक्स एसेट्स को करंट एसेट्स में शो कर दिया गया ताकि करंट रेशो इंप्रूव हो जाए, कुछ करंट लाइबिलिटीज को नॉन करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड कर दिया गया, प्रेजेंटेशन की गलत। डिस्क्लोजर की क्या गलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थे नहीं दिए, या रिक्वायर्ड, या IFRS ने मना किया था कि नहीं इंक्लूड करने, वो इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है, तो ये भी मिस स्टेटमेंट। जैसे डिस्क्लोजर में एक बड़ी एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टी पता आपको क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टी हम कहते हैं, लॉ में आपने एक टर्म पढ़ी होगी एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज को और डायरेक्टर्स को रिलेटेड पार्टी कहते हैं, सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं, आगे चल के कभी डिटेल में पढ़ेंगे। एसोसिएटेड कंपनीज को और डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें बाय डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है कि फ्रॉड करने के लिए हो सकता है रिलेटेड पार्टी को यूज किया गया हो। तो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड्स की कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। अगर मैनेजमेंट उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ना करे तो वो क्या होगा, मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अमाउंट्स प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में फर्क समझ आ गया। अब हमें जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है, वो तीन तरह की एग्जाम्पल हो सकती हैं, अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में, ठीक है। वैसे जब आप स्टडी टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको प्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल्स नजर नहीं आएंगी, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक समझा जाता है इसीलिए नहीं बताया जाता, लेकिन मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दी, समझ आ गई ना प्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल। चलिए अब आते हैं अमाउंट्स की क्या गलती हो सकती है। अब सुने मजीद एग्जाम्पल देते हैं, ये अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताई थी अमाउंट्स प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन में से बताई थी। अब ये वो एग्जाम्पल है जो सरकारी एग्जाम्पल है, यानी आईकैप ने जब वो कंसर्ट बताया तो उसने जो एग्जाम्पल दिया जिनको वो एग्जाम में टेस्ट नहीं करता, ठीक है, आपको पता है एग्जाम्पल देता कोई और है, टेस्ट कुछ और कर लेता है। लेकिन बाहर अगर फर्ज कीजिए हमसे वो रिप्रोडक्शन के रटे वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल बताओ, तो फिर हम उसे वही एग्जाम्पल बताएंगे जो उसने दी हुई। कहता है मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट कर, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज,
यानी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी ऐसी है जो कि IFRS एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी IFRS से कंप्लायंस नहीं कर रही, वो मिसस्टेटमेंट होगी क्या? नहीं। एग्जांपल, लाइफो बेसिस के ऊपर इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे हैं, IFRS को कंप्लाई नहीं कर रहे। दूसरी एग्जांपल, अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लाई कर रही है IFRS को, लेकिन अप्लाई सही नहीं किया। वैल्यूएशन मेथड है FIFO, वैल्यूएशन करनी थी 22.5 पे, 225 पे वैल्यूएशन कर दी। अब देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी है ठीक, सेलेक्ट ठीक किया है, अप्लाई ठीक नहीं किया, ये भी मिस स्टेटमेंट है। और फिर सेलेक्ट भी ठीक किया, अप्लाई भी ठीक कर रहे हैं, जब दिल किया उसको चेंज कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, ये भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है अगर IFRS के मुताबिक ना हो। ठीक है, अगर क्लाइंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की इसका मतलब क्या है? चेंज कर दी, तो ये मिस स्टेटमेंट हो सकती है। कब होगी मिस स्टेटमेंट? जब IFRS के मुताबिक नहीं होगी और ऑडिटर एग्री नहीं करेगा इससे। ऑडिटर क्यों एग्री नहीं करेगा? क्योंकि IFRS के मुताबिक नहीं है, तो फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होना भी मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। कुछ समझ आए? मिस स्टेटमेंट। अब ये बताइए, ये उसने नाम दिया है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेकिन मुझे बताइए कंसेप्चुअली ये सारी की सारी अमाउंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिंपली कहा था मिस स्टेटमेंट इन अमाउंट्स, उसने नाम थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया कि मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज। एग्जांपल्स वही है, अमाउंट्स की मिस, क्लियर हो गया? अमाउंट्स में जो मिस स्टेटमेंट होती है उसकी दो चार एग्जांपल्स और शेयर कर लें। ठीक है, अमाउंट्स में जो मिस स्टेटमेंट, वैसे जो ज्यादा यूज होती है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले भी शेयर की हुई है, फिर भी ताकि तीन चार दफा शेयर हो तो दिमाग में बैठ जाए। इन्वेंट्री में क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है? इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया। डेटर्स में क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है? ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हुए थे पर वी एन रिकॉर्ड नहीं किए। फिक्स एसेट्स में क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है? सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की। क्लाइंट कहता है भाई एसी जो है ये तो हम साल में चार महीने इस्तेमाल करते हैं, हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चार महीनों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि आइए 16 क्या कहता है कि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो। बताइए मिस स्टेटमेंट इन अमाउंट है कि नहीं इसी कैटेगरी से रिलेटेड? ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, रिवैल्यूएशन सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन कर ली, क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ, आउटफ्लो प्रोबेबल है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। और कौन सी है? अमाउंट से रिलेट कर, प्रेजेंटेशन से जो रिलेट करती है वो मैंने एग्जांपल आपको दे दी कि जब हम फिक्स एसेट को करंट में क्लासिफाई कर दे, करंट लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई कर दे, या हम अदर इनकम को सेल्स प्राइमरी इनकम में क्लासिफाई कर दे। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या गलतियां हो सकती हैं? डिस्क्लोजर से रिलेटेड तीन तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था नहीं दिया। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड था, नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। अगली एग्जाम्पल जरा गौर से सुनिएगा, रिक्वायर्ड था डिस्क्लोज करना है, नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है। रिक्वायर्ड था डिस्क्लोज नहीं करना, डिस्क्लोज कर दिया, भी मिस स्टेटमेंट। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट। देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड साइलेंट है, स्टैंडर्ड साइलेंट है, आप अपनी मर्जी से एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हैं, लेकिन जहां स्टैंडर्ड कहे ये डिस्क्लोजर नहीं देना, वहां पे डिस्क्लोजर नहीं देना हमने। फिर जैसे इसकी एग्जांपल कहता है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन से उठा रहा हूं एग्जांपल, उसने कहा लायबिलिटी अगर हमारे क्लाइंट के खिलाफ में केस चल रहा है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, क्या करना है? प्रोविजन। आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, डिस्क्लोज। गौर से सुनिएगा, सिचुएशन चेंज, अब हमारे क्लाइंट ने दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया, इनफ्लो प्रोबेबल है,
हमारे क्लाइंट ने दूसरे के खिलाफ किया, अब इसका मतलब पैसे आने या जाने नहीं है, हमारे क्लाइंट ने दूसरों के खिलाफ किया। इनफ्लो प्रोबेबल है, क्या करना वाला? डिस्क्लोज करना है। ये फर्क है प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। वो कहता है यहां पे हमारा एक स्टेप जो है वो हमने ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कर दिया। अगर इनफ्लो का केस है प्रोबेबल है डिस्क्लोज करो, नॉट प्रोबेबल है कुछ नहीं करना। आउटफ्लो का केस है प्रोबेबल है तो रिकॉर्ड करो, प्रोबेबल नहीं है डिस्क्लोज करो। इनफ्लो का केस है प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो, प्रोबेबल नहीं है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये किस वजह से है फर्क आउटफ्लो और इनफ्लो में? किस वजह से? प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से, जो कहता है कि हमारे जो एसेट्स और इनकम है ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए। उस वजह से इनफ्लो का क्राइटेरिया ज्यादा सख्त है। अब एग्जाम में पूछा क्या, उसने कहा एक कंटिंजेंट एसेट है, आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, डिस्क्लोज कर दिया। ये स्टेटमेंट है कि नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड था कि डिस्क्लोज नहीं करना, कर दिया। तो फिर बताइए डिस्क्लोजर में क्या गलती हो सकती है? पहली गलती, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था नहीं दिया, गलती कर दी। रिक्वायर्ड था कि डिस्क्लोजर नहीं देना लेकिन दे दिया, वो भी गलती कर दी। तीसरी एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये दोनों में फर्क समझ आ गया ना? तीसरी, रिक्वायर्ड था डिस्क्लोजर देना है, दिया भी डिस्क्लोजर, लेकिन डिस्क्लोजर देने में डंडी मार गए। स्टैंडर्ड कहता है जब रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करो ना, तो कहता बताओ किस पार्टी के साथ किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन की, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताओ। हमने अमाउंट बता दी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बताई। अब बताइए डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया? डिस्क्लोजर दिया, लेकिन इसको कहते हैं एडिक्वेट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। वो कहता है जब गोइंग कंसर्न का मसला हो ना, तो ये तो बताओ कि गोइंग कंसर्न का मसला है, और जिस चीज की वजह से मसला है वो भी बताओ, बताना चाहिए ना। ये बता दिया कि मैं हम बीमार हैं, बीमारी क्या है ये नहीं बताई। ये बता दिया गोइंग कंसर्न का इशू है, डिटेल नहीं बताई। बताइए डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया? दिया, लेकिन एडिक्वेट एप्रोप्रिएट नहीं है। डिस्क्लोजर से रिलेटेड पता चल गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल शेयर की हमारी बुक में, वो दो कैटेगरी बनाई उसने, लेकिन मैंने आपको तीसरी प्रेजेंटेशन की भी एग्जाम्पल दे दी। क्लियर है ये एग्जाम्पल सारे? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ गई, मिस स्टेटमेंट सामने आ, हमने क्या करना है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। मैंने जो आपके साथ एग्जांपल शेयर किया, आपको ये कंफर्म हो रहा है कि ये मिस स्टेटमेंट है, बस काफी है। इसको रटा लगा ले, अच्छी बात है, ना लगाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ज्यादा। आई कैप ने ये एग्जाम्पल्स नहीं पूछी हुई, स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल पूछी है, लेकिन एहतियातन फिर भी आपको हेडिंग याद करके कोई दो दो एग्जाम्पल याद कर ले, बेहतर है टू बी ऑन सेफ साइड, ठीक है। लेकिन आई कैप ने पास पेपर में मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल नहीं पूछी हुई, स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल पूछी हुई, वो इसकी नस्बत ज्यादा है। बहरहाल मिस स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। अगर हमें ऑडिट के दौरान में कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए हमने क्या करना है? अगर ऑडिट के दौरान में कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए हमने क्या करना? बहुत आसान, हमने मैनेजमेंट के पास जाना है और उसे कहना है सर इसको करेक्ट कर दीजिए। याद रखिए अगर मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दे तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। मुझे बताइए, आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक सेलेक्ट करनी है। पहली ऑप्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हमने, उनमें कोई मिस स्टेटमेंट थी, मैनेजमेंट से कहा करेक्ट कर लो, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर ली, मुझे रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए? पहली ऑप्शन मैं ये लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, बस इतना। दूसरी ऑप्शन मैं लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले गलत थी, हमने मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करके करेक्ट करवाया, अब ठीक है। बताइए यूजर के पॉइंट, पहले वाला बेहतर है क्योंकि यूजर को तो इस चीज से गर्ज नहीं है कि पहले क्या होता रहा, पहले चाहे तबाही फिरी हो,
अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक पहुंच रही है ना उनके पास, तो उन्हें इसी चीज से। इसलिए याद रखें, अगर कभी मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए और मैनेजमेंट इनको करेक्ट कर ले, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। आपको एग्जाम्पल दी थी ना कि जैसे अगर कभी हमसे कोई गुनाह हो जाए और हम मरने से पहले तोबा कर ले, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं था। उसी तरह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट हमें मिल जाए और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले, उधर भी टाइम है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मैनेजमेंट इसको करेक्ट कर ले, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। अब ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर थोड़ा ही मरते पता चल गया सामने खड़ी है, तौबा कर लिया, अब क्या फायदा। तो उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद तो फिर हमारे हाथ से बात निकल जाती है। अगर मैनेजमेंट को मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को कहा सर करेक्ट कर ले, या तो मैनेजमेंट करेक्ट करेगी या नहीं करेगी। करेक्ट कर ले बहुत अच्छी बात, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, हम देखेंगे ये इमटीरियल है या मटीरियल है। हम क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट इमटीरियल है कि मटीरियल है। अगर तो इसका इफेक्ट इमटीरियल है, कौन सा ओपिनियन देंगे। लेकिन अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ मैनेजमेंट से कहेंगे रिप्रेजेंटेशन दो, लिख के दो कि हमने तुम्हें ये मिस स्टेटमेंट दे दी थी, तुम्हारे ख्याल में इमटीरियल थी। बता सकते हैं मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन क्यों ले रहे हैं भला, अपने आप को सेव करने, कल कला को हमारे खिलाफ केस ना कर दे कि आपने 6275 रुपए की मिस स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई की थी, चलो पेशिया भुगतो। तो ये रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, अच्छा करते हैं ना अपने आप को सिक्योर करने के, ठीक है। और अगर वो मटेरियल थे, मॉडिफाइड ओपिनियन सिंपल, तो क्लियर हुआ मिस स्टेटमेंट का केस, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स, असल चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स वो हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कभी हमारे सामने मिस स्टेटमेंट आ जाए तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हमने पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को मौका देना है, ये नहीं करना कि मिस स्टेटमेंट छुपा के रख लें, एंड पे जाके एकदम मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट शेयर होल्डर के सामने धमाका कर दें, ऐसे नहीं करना। कहता जी पहले उनको मौका दीजिए, अगर मैनेजमेंट ठीक कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती, इफेक्ट देखे क्या है, इमटीरियल इफेक्ट है, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की लेकिन इफेक्ट इमटीरियल है, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन, साथ में रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की, इफेक्ट मटीरियल है, ओपिनियन कौन सा, मॉडिफाइड। यहां तक क्लियर है। यहां पे तीन लफज इस्तेमाल हुए होंगे, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और एक आगे चल के यूज होगा पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। ये चार अल्फाज आज के लेक्चर में मैंने नहीं एक्सप्लेन करने, कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करने हैं। जहां कहीं वर्ड यूज हुआ है ना क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, वहां पे आपने आज के दिन के लिए इसकी जगह पढ़ना है मॉडिफाइड, इसकी जगह क्या पढ़ना है मॉडिफाइड। क्लियर हो गया यहां तक कंसेप्ट। मिस स्टेटमेंट के बारे में हमें डिटेल में पता चल गया इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और हमने मिस स्टेटमेंट अगर आ जाए तो हमने इस कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, ये बात समझ आ गई। मजीद अगर इसकी कुछ मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स आप सीखना चाहते हो कि एग्जाम में वो किस किस तरीके से चेक कर सकता है, तो आपको इस चैप्टर का अपेंडिक्स है एंड पे, ठीक है, किताब के एंड पे इस चैप्टर का अपेंडिक्स है, शायद अपेंडिक्स 2 है चैप्टर 4 का, वहां पे मिस स्टेटमेंट की मजीद एग्जांपल्स मिलेंगी। घर जाके उनको जरूर पढ़िए, वो मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल एक सफे पे है, वो एक सफा पढ़ लेंगे ऐसा हो जाएगा जैसे आपने एग्जाम के 20 केस स्टडीज अटेम्प्ट किए। वो एक सफा पढ़ लेना अपेंडिक्स 2, ठीक है। क्या पेज नंबर क्या है, 229, पेज नंबर 229,
ये एक सफा अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया, ये बराबर है किसके, एग्जाम की 20 केस स्टडीज अटेम्प्ट करने के बराबर है। वह 20 केस स्टडी से जो नॉलेज मिलेगा आपको, वो ये एक सफा पढ़ के इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो पढ़ लेंगे ना मेरे भाई, आगे चलो। स्कोप लिमिटेशन की तरफ चलें। मिस स्टेटमेंट तो समझ आ गई क्या है, कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी IFRS कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है, मिस स्टेटमेंट। अब चलते हैं स्कोप लिमिटेशन की तरफ। ये स्कोप लिमिटेशन क्या है, कहते हैं स्कोप लिमिटेशन सुने। स्कोप लिमिटेशन है व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। स्कोप लिमिटेशन क्या है, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। मुझे कंफर्म हो गया इन्वेंट्री गलत है, मिस स्टेटमेंट, मुझे इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दी गई, क्या मैं ये कंफर्म होके कह सकता इन्वेंट्री ठीक है, क्या मैं ये कंफर्म होके कह सकता इन्वेंट्री गलत है, ये भी नहीं कह सकता। हालांकि शक मेरे जहन में, शकूक और शुभा तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्म होके नहीं कह सकता कि गलत, तो मुझे क्या कहना चाहिए, कि मुझे नहीं पता। ये स्कोप लिमिटेशन है, ये स्कोप लिमिटेशन। तो स्कोप लिमिटेशन क्या है, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, जब किसी एरिया पे ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके, एविडेंस ऑब्टेन। यहां पर नोट कीजिए, उसने स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में अल्फाज क्या इस्तेमाल किए, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, उसने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म ए प्रोसीजर। अल्फाज क्या इस्तेमाल किए, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। हमने कहा भाई ये क्या चक्कर है, तुमने स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में ये क्यों नहीं लिखा व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर। कहता है इसलिए कि दोनों में फर्क है, अगर ऑडिटर कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से लेकिन एविडेंस मिल गया, बताइए स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि हमने स्कोप लिमिटेशन की जब डेफिनेशन सोच समझ के दी है, क्या व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन, इसका मतलब है जहां कहीं वो हमें अगर क्वेश्चन में कहे कि ऑडिटर एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, हमने फौरन सोचना है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ना मिला फिर स्कोप लिमिटेशन है। तो कहने लगे, हमने कहा स्कोप लिमिटेशन क्लियर हो गया, एग्जाम्पल की तरफ, हमें एग्जाम्पल समझाओ, एग्जाम्पल के बगैर हमें आज तक कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, एग्जाम्पल समझाओगे तो फिर समझ आएगा स्कोप लिमिटेशन क्या होती है। उसने कहा लो सुन लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के लिए अगेन उसने हमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन दे दी। याद रखे ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, ये केस है केस स्टडी में, रटे वाले क्वेश्चन में शायद क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, रटे वाले क्वेश्चन में, केस स्टडी में नहीं पूछेगा। केस स्टडी में उसका रिक्वायरमेंट क्या होती है, भाई सिर्फ इतना पहचान लो ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। आगे अगर मिस स्टेटमेंट है तो कौन सी वाली कैटेगरी है, ये कभी भी नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछेगा। स्कोप लिमिटेशन है तो कौन सी वाली कैटेगरी, नहीं पूछता। इसीलिए हमने सिर्फ इतना को पहचानना है एग्जाम में कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। कैटेगरीज याद कर लेंगे हम रटे वाले क्वेश्चन के लिए, केस स्टडी के लिए नहीं, केस स्टडी के लिए एग्जाम्पल समझ लेना काफी है, रटा ना भी लगाओ। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्या तीन कैटेगरीज बनाई उसने स्कोप लिमिटेशन की। कहता है पहली कैटेगरी है वो स्कोप लिमिटेशन किन रीजंस की वजह से, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी, जो मैनेजमेंट, जो हमारे क्लाइंट के कंट्रोल से बाहर है, जिसमें उनका कसूर नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो रीजन कौन सी है जो रिलेट करती है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, जो ऑडिटर के वर्क से रिलेट करती है, इनमें भी मैनेजमेंट का कसूर नहीं है। तीसरी वो कैटेगरी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट आर एंटिटी, जो मैनेजमेंट की वजह से है, इसमें मैनेजमेंट का कसूर है। यानी स्कोप लिमिटेशन की उसने हमें तीन कैटेगरीज बताई, दो में मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, एक में मैनेजमेंट का कसूर,
जैसे एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा ये मैं बात कर रहा हूं अपने क्लाइंट, हमारे जो क्लाइंट कंपनीज होती है, ये सरकारी दफ्तरों की बात नहीं कर रहा। वहां पे अगर आग लगे तो हो सकता है मैनेजमेंट का कसूर हो, यहां पे मैनेजमेंट का कसूर नहीं। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमने क्लाइंट से पूछा लाओ भाई सारी सेल इनवाइसेस परचेज इनवाइसेस किधर हैं, हम ऑडिट करें। एविडेंस तो हमें उसी से मिलता है ना, रिकॉर्ड से। उसने कहा सर क्या बताएं, एक आग लगी थी और उस आग में सब कुछ जल गया। हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो बचा होगा। उसने कहा सर उस जो रिकॉर्ड था उसकी अस्थियां बची हैं, अगर आप कहें तो वो आपके सामने ले आए। हमने कहा भाई उनको भी गंगा में बहा दो, वो अस्थियां हमारे किस काम की। अब बताइए ये जो आग लगी, रिकॉर्ड जला, क्या जला बताइए, क्या एविडेंस हम ले सकते हैं। स्कोप लिमिटेशन आ गई, यहां पे नोट कीजिए, मैंने आग लगी तो जलाया किसको, रिकॉर्ड को, एसेट्स को नहीं जलाया, एसेट्स को नहीं जलाया, किसको जलाया, रिकॉर्ड जलेगा तो स्कोप लिमिटेशन है, एसेट्स जले तो स्कोप लिमिटेशन नहीं, शायद कुछ और होगा। दूसरी एग्जांपल, रिकॉर्ड सीज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ले गया रिकॉर्ड, नैब वाले ले गए रिकॉर्ड। हमने क्लाइंट से पूछा भाई इनवाइसेस वगैरह किधर हैं, उन्होंने कहा सर वो देखे दूर रेंजर्स की गाड़ी नजर आ रही है आपको जाती है। मैंने कहा बिल्कुल नजर आ रही है। कह रहे जाए भाग के उनके पास रिकॉर्ड ले आए। अब बताइए क्या जाके उनसे रिकॉर्ड ले जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, नहीं वो हमें भी बिठा लेंगे, कहेंगे आ जाए आप नहीं जाना। हम कहेंगे नहीं भैया हम रिपोर्ट में लिख देंगे, रिपोर्ट में ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो दो एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल आग लग गई, दूसरी एग्जाम्पल रिकॉर्ड सीज कर लिया गवर्नमेंट अथॉरिटी ने। आई कैप पहली वाली एग्जाम्पल बार बार पूछता है, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, ठीक है, और इसमें आग लगने से रिकॉर्ड जले तो ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है, आग लगने से एसेट जले ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने जहन में रखना है आग लगने से रिकॉर्ड जला तो स्कोप लिमिटेशन है, एसेट जले तो स्कोप लिमिटेशन नहीं, कुछ हो रहा है। पहली कैटेगरी क्लियर। दूसरी कैटेगरी, स्कोप लिमिटेशन रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। ऑडिटर फर्ज कीजिए किसी वजह से अपॉइंट ही ईयर एंड के बाद हुआ, ईयर एंड 31 दिसंबर, अपॉइंट हुआ 15 जनवरी, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं ले सका इन्वेंट्री में, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। अगली एग्जाम्पल है हमारी रट्टे वाली, व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको लिंक कर दूं दो कंसेप्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना कब रिक्वायर्ड है, दो सिचुएशन में। पहली सिचुएशन व्हेन कंट्रोल्स आर स्ट्रांग एंड आई रिलाई ऑन देम। दूसरी एग्जेक्यूशन याद है आपको, व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, शाबाश, तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। अच्छा सोच के मुझे बताइएगा, अटेंटिव होके एग्जांपल पे फोकस करना है। सिचुएशन क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो, चैप्टर टू कहता है, चैप्टर थ्री कहता है। अगली एग्जाम्पल सुने, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स आर आल्सो वीक। अब बताइए स्कोप लिमिटेशन हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि पहले तो वो हमें अल्टरनेटिव की तरफ ले गया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ, अब तो अल्टरनेटिव भी नहीं है, स्कोप लिमिटेशन होगी कि नहीं होगी। तो ये भी दो एग्जाम्पल, ये क्लियर। अगली एग्जाम्पल आसान, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट आर एंटिटी। मसलन कहता है अगर मैनेजमेंट हमें इन्वेंट्री काउंट, हम अपॉइंट ईयर एंड पे अपॉइंटेड है, काउंट करने के लिए गए, मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दिया, स्कोप लिमिटेशन। मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया, इजाजत
मैनेज हमने मैनेजमेंट से कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर दो, मैनेजमेंट कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर, भाग जाओ। क्या है ये? हमने कहा डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स तो हमें दे दो, उन्होंने कहा भाग जाओ, कोई मिनट्स नहीं है। क्या है? स्कोप लिमिटेशन। ये भी स्कोप लिमिटेशन। अच्छा सुने, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो से सुनिएगा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मिस स्टेटमेंट पढ़ी हमने कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से रिलेट करें, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा होगा। मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा होगा। ये बात समझ आ रही है? अब सुने, स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा होगा, लेकिन पॉइंट पे किया, मिस स्टेटमेंट के बारे में क्या? एक तो है ना रटा लगाना है, वो रटे वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूं, केस स्टडी पॉइंट ऑफ से आपको पता है ये फर्क नहीं होता कि मिस स्टेटमेंट किस किस्म की है या स्कोप लिमिटेशन किस कैटेगरी की है। वो सिर्फ है क्या, हमसे इतना रिक्वायर करता है हम केस पढ़े और ये बता दें ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। वो टाइम कहता है छोड़ दो, ये आपके बस मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको बता क्या रहा हूं केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा है। अमाउंट पे फर्क पड़ता है कि वो अमाउंट कम है ज्यादा, टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट फर्क नहीं पड़ता। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट एक जैसा आएगा। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये वाली स्कोप लिमिटेशन दूसरी वाली स्कोप लिमिटेशन की निस्बत ज्यादा सवेयर केस नहीं है? ये वाला ये ज्यादा सवेयर नहीं है? बाकियों में तो हमने कहा चलो स्कोप लिमिटेशन है, रिपोर्ट में लिख देंगे कि हमने इसको वेरीफाई नहीं कर सके। मैनेजमेंट अगर ठीक है, मैं ऑडिट करने के लिए गया, अपॉइंट किया ईयर एंड के बाद, किसी वजह से अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस नहीं ले सका मैं, स्कोप लिमिटेशन, मैं अगर रिपोर्ट में लिख देता हूं कि इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं कर सका, बाकी फाइनेंशियल में ठीक है, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने खुद मना किया मुझे, खबरदार इन्वेंट्री को वेरीफाई किया तो वेयर हाउस के करीब भी नहीं आना, बाकी जो मर्जी करते रहो। अब मैं रिपोर्ट में अगेन यही लिखूंगा, इन्वेंट्री के अलावा बाकी की चीजें मैंने चेक कर ली हैं, वो ठीक है। लेकिन खुद बताइए, मैं थोड़ा सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा यार कोई वैलिड रीजन तो नहीं लगती मुझे रोकने की, ये मुझे जो मना किया है स्टॉक काउंट करने से लगता है कोई गड़बड़ चल रही है। बताइए, मैं सिर्फ रिपोर्ट पे इफेक्ट बता दूं काफी है कि मेरा रिस्क भी बढ़ जाएगा? क्या अब मेरा रिस्क ऑफ फ्रॉड, मैं आपको शक शुबा हो रहा है कि लगता है कि कोई फ्रॉड है? ऐसे ही नहीं मैनेजमेंट ने मना कर दिया, लगता है अंदर कोई फ्रॉड चल रहा था और मैनेजमेंट को खतरा था कि मैं फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लूंगा, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं? रिस्क बढ़ जाएगा एक्सट्रीम केस में, अगर रिस्क बहुत ज्यादा हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा हो और हमें लगे मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है उसमें, तो हमें इजाजत है कि हम चाहे तो विड्रॉ कर ले। एक्सट्रीम केस में हमें इजाजत है कि चाहे तो विड्रॉ कर ले। तो यहां पे देखे स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल समझ आ गई हमें। अब देखते हैं हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, कहता है कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करता है, स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है तो रूल बहुत सिंपल है, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, एविडेंस मिल जाए तो ठीक, एविडेंस नहीं मिलता तो मॉडिफाई ओपिनियन। बात समझ आई? अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है क्या करना है? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए ठीक, बहुत अच्छी बात, अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस से भी एविडेंस नहीं मिलता मॉडिफाई ओपिनियन।
अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लो, मिल गया ठीक, नहीं मिला मॉडिफाई ओपिनियन दे दो। यहां तक बात वही है जो इधर थी, लेकिन फिर नोट कीजिए वो बात यहां पे खत्म नहीं कर रहा, कहता है नहीं भैया अब बात दिल्ली तक जाएगी, अब तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, हम सोचेंगे कि मैनेजमेंट ने हमें क्यों बिला वजह मना किया, लगता है कोई गड़बड़ है, हमारा रिस्क भी बढ़। और जब कभी हमारा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमें लगे कि मैनेजमेंट भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो हमें एक स्पेशल राइट क्या दिया गया है, हम चाहे तो विड्रॉ ऑडिट को उधर ही छोड़ के, हम कहे हम नहीं फ्रॉडी लोगों के साथ काम करते, तुम उधर तो हम इधर, हम नहीं जा रहे, विड्रॉ करके वापिस आ जाए। क्लियर हो गई ये बात? तो क्विक से रिवीजन कर लें, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सबसे बड़ा रूल सीखा कि ऑडिटर ओपिनियन देने से पहले किन चीजों को कंसीडर करता है। हमने ये सीखा कि ऑडिटर दो चीजों को कंसीडर करता है ओपिनियन देने से पहले, पहली चीज क्या, इस ऑडिट क्लाइंट में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी, फिर अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल, मटेरियल या परवेसिव। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन ये दो कंसेप्ट पढ़े। मिस स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मिस स्टेटमेंट क्या है, हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी पाकिस्तान में IFRS और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फर्क है इसे मिस स्टेटमेंट कहते हैं, यानी IFRS कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है, इन दोनों में जो फर्क है वो मिस स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी मिस स्टेटमेंट की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एग्जाम्पल्स ही समझ लेना काफी है, लेकिन रटे वाला क्वेश्चन तैयार करने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन सीखना भी जरूरी है। फिर इसके बाद हमने देखा अगर मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए हमने क्या करना है, हमने कहा हमने क्लाइंट के पास जाना है, उसे कहना है इसको करेक्ट कर दे, अगर क्लाइंट करेक्ट कर दे मिस स्टेटमेंट तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं, लेकिन अगर क्लाइंट उसको करेक्ट नहीं करता तो फिर हमने देखना उसका इफेक्ट क्या है, अगर उसका इफेक्ट इमटीरियल है अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन क्लाइंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, अगर इफेक्ट मटीरियल है तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन लेंगे। फिर इसके बाद स्कोप लिमिटेशन, हमने पहले पढ़ा स्कोप लिमिटेशन क्या है, उसने कहा स्कोप लिमिटेशन है व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। यहां पे उसने स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन प्रोसीजर का लफ्ज यूज नहीं किया, इसलिए कि अगर हम कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो फिर वो स्कोप लिमिटेशन नहीं होती, हाँ अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ना मिले फिर वो स्कोप लिमिटेशन होती है। अब स्कोप लिमिटेशन की हमने इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अगेन केस स्टडी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल समझना काफी है, लेकिन रटे वाले क्वेश्चन के लिए कैटेगरीज भी याद करना जरूरी है स्कोप लिमिटेशन की, ठीक है। इसमें जो बड़ी बड़ी स्कोप लिमिटेशन ICAP टेस्ट करता है वो है रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ऑडिटर इज अनएबल टू काउंट इन्वेंट्री, और फिर इसके बाद कंफर्मेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये प्रोवाइड ना करना, ये ज्यादातर केस स्टडी में टेस्ट होती है, लेकिन बाकी भी टेस्ट कर सकता है। अच्छा, अगर जिस तरह हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए हमने क्या करना है, उसी तरह कंसेप्ट है अगर स्कोप लिमिटेशन हमारे सामने आ जाए क्या करना है, वो डिपेंड करता है कि स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टांसिस है या बाय मैनेजमेंट। अगर बाय सर्कमस्टांसिस है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ये कम से लेस वेयर है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करे, एविडेंस मिल जाए बहुत अच्छी बात, एविडेंस नहीं मिला तो मॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर बाय मैनेजमेंट है तो फिर हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है, फिर भी एविडेंस मिल जाए अच्छी बात, एविडेंस नहीं मिले मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो याद रखे इसका इफेक्ट ज्यादा सीवियर है, यहां पे ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा ही, इसके साथ साथ हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक्सट्रीम केसेस में अगर हमें लगे कि मैनेजमेंट भी फ्रॉड में शामिल है, हम विड्रॉ भी कर सकते। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, आज घर जाके आपने तसल्ली के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 की रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो 3 है, ये आज मैं चूंकि इन कंसेप्ट को कवर करवाना चाह रहा था, लेक्चर ज्यादा अहम था,
तो मुझे खतरा था कि कहीं इनको कवर करवाते हुए एंड में टाइम कम ना रह जाए, ये कंसेप्ट कंप्रोमाइज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रख लिया है। ये शायद कल भी हम डिस्कस ना कर सके, लेकिन ये इस चैप्टर के एंड में मैं कंसेप्ट आपको इंशाल्लाह करवा जरूर दूंगा, लेकिन पहले ज्यादा अहम वाला कंसेप्ट डिस्कस कर लें। आज घर जाके रीडिंग का सुन लीजिए। और मेरे भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, यार ऐसे ना करें यार। तो आज घर जाके आपने एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 की रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद वो पेज 229 वाली एग्जाम्पल जो है मिस स्टेटमेंट की, वो जरूर पढ़ लेने हैं। और देखे, हमारी जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, इसीलिए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हुए एक एक लफ्ज आपको समझ आना चाहिए, सिवाय उन 2-3 अल्फाज के जो मैंने आपको पहले बता दिया, कल एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है।